Hello, Icho. Let us read this question. A doubly ionized lithium atom is hydrogen-like at uh, hydrogen-like with atomic number equals to three. Find the wavelength of radiation required to excite the electron in okay. a lithium two plus from first to third Bohr orbit. Ionization energy of the hydrogen atom equals to thirteen point six electron volt. Question B is how many spectral lines are observed? इन दमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ दबोव एक्साइटेड सिस्टम इस क्वेश्चन में हमारे पास डब्ल्यू आईन एस लिथियम एटम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर थ्री है तो हम लोग को वेवलैन फाइंड करना है रेडिएशन uh, का जो कि हमारा एटम को फर्स्ट स्टेट से थर्ड वाले स्टेट में लेके जाए तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा हमें पता है कि एनर्जी और वेवलिन के बीच में रिलेशन होता है एच सी अपॉन लैमडा और अगर हमारे पास वेवलिन जो है वो एमस्ट्रॉन्ग में गिवन है और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको हम लोग वन टू फोर डबल जीरो डिवाइडेड बाय वेवलिन इन एमस्ट्रॉन्ग के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और और हाइड्रोजन लाइक -like आइटम के लिए जो एंथ स्टेट का एनर्जी होता है वो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर के इक्वल होता है जहाँ पे जेड जो, जो होता है वो एटॉमिक नंबर uh, होता है और एन जो होता है वो क्वांटम क्वांटम नंबर होता है इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि हम लोग एक ऐसा रेडिएशन है जो जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन एटम जो है वो फर्स्ट से थर्ड वाले स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है जहाँ पे एन इक्व टू वन से जो है एटम जो है एन इक्व टू थ्री वाले स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है तो उसके उसके लिए जो वेवलेंथ लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि यहाँ से जब ट्रांजिशन करेगा तो इस ये जो होगा ट्रांजिशन इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये किसके इक्वल होगा ई थ्री माइनस ई वन के इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई जो होगा वो ई थ्री माइनस ई वन के इक्वल होगा और हमें पता है ई e एन का वैल्यू जो होता है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर के इक्वल होता है तो यहाँ से हमारा डेल्टा ई e जो है वो हो जाएगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर इंटू वन अपॉन नाइन माइनस वन अपॉइन वन तो जेड का वैल्यू हमें थ्री दिया है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा नाइन फ्री होगा माइनस थर्टीन पॉइंट माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू नाइन और ये आएगा वन माइनस एट जो कि आएगा माइनस वन माइनस नाइन जो कि आएगा माइनस एट इंटू नाइन तो ये नाइन नाइन कैंसिल होगा ये माइनस कैंसिल होएगा तो डेल्टा ई जो है वो हमें मिलेगा वन जीरो एट पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अभी हमें ये एनर्जी मिल गया तो हम लोग उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलिन निकाल सकते हैं तो जो कि आएगा वन टू फोर डबल जीरो डिवाइडेड बाई 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से जो वेवलेंथ मिलेगा वो होगा 104 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ मिल गया अभी हमें क्या चाहिए स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए तो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो फर्स्ट लेवल से थर्ड वाले लेवल पे हो रहा है तो n का जो वैल्यू आएगा या तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम होता है उसका जो वैल्यू होता है वो n n 1 2k इक्वल होता है यहाँ पे एन जो होता है वो फाइनली जो पार्ट आइटम जो है वो कौन से स्टेट में आता है वो वाला वैल्यू होता है यहाँ पे थ्री पे जा रहा है तो एन थ्री हो जाएगा तो थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई टू ये टू से टू कैंसिल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो होंगे इमिशन में वो टोटल थ्री के इक्वल हो जाएंगे तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक